हेलो दोस्तों, संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम्स के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार से संबंधित कुछ तथ्यों पर चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं एक प्रश्न से। 1/19 को दशमलव रूप में दर्शाइए। यहां हम इसे विस्तृत विभाजन विधि से हल करते हैं। दोस्तों, आप भागफल को देखिए। हमें यहां अभी तक कोई संख्या या संख्याओं की पुनरावृत्ति का खंड प्राप्त नहीं हुआ है, तो क्या यह अपरिमेय संख्या है? चलिए इसे अभी और आगे तक हल करते हैं। अब भागफल को ध्यान से देखिए। इसमें 18 संख्याओं के बाद संख्याओं की पुनरावृत्ति प्राप्त हो रही है। इसे इस तरह भी लिख सकते हैं। इसे देखकर हम कह सकते हैं कि यदि ऐसी कोई भी संख्या जिसे आप हल कर रहे हो और आपको कई अंकों तक किसी संख्या या खंड की पुनरावृत्ति प्राप्त नहीं हुई है, तो यह सोचना गलत होगा कि कहीं संख्याओं की पुनरावृत्ति होगी ही नहीं। इस संख्या को हम 1/19 यानी p/q के रूप में लिख पा रहे हैं, इसलिए यह एक परिमेय संख्या है। इसमें कहीं न कहीं संख्या या खंड की पुनरावृत्ति अवश्य प्राप्त होगी। इस सत्र में हमने परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार से संबंधित कुछ तथ्यों पर चर्चा की। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।